फ्रेंड्स, माय नेम इज रेमंजन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आए हैं, प्लस कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया है और फाइनल डिविडेंड दोनों। तो इसका रिकॉर्ड डेट क्या होने वाला है, लगभग ₹31 का स्पेशल डिविडेंड है और जो फाइनल डिविडेंड है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है ₹10 का। तो ये आपको मिलेगा अगर आपके पास स्टॉक है या लेना चाहते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छा है। शुरू करेंगे उससे पहले, अगर अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप इजीली ऑनलाइन ज़ीरोधा में खोल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओपन करने पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक्सेस दिया जाएगा, जहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट वगैरह, काफ़ी सारी न्यूज़ वगैरह वहाँ पे हम अवेलेबल कराते हैं। तो ये कंपनी का अगर आप देखेंगे टोटल इनकम 1223 करोड़ का रहा था मार्च क्वार्टर में, और दिसंबर में 1204, जो कि बड़ा है। और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे 177 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और 131 का लास्ट क्वार्टर में, जो कि ग्रोथ इजीली यहां पे देखने को मिल रही है। प्लस कंपनी के अच्छे फाइनेंशियल्स आने की वजह से स्टॉक भी काफ़ी स्ट्रांग है। और ये कंपनी है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, 601 के ऊपर आज क्लोजिंग थी। इसका अगर आप देखेंगे 52 वीक हाई और लो, तो हाई 667 का है, लो 406, जो कि ऊपर के लेवल पे ही चल रहा है। नतीजे अच्छे यहाँ हैं और यहाँ से स्टॉक जो है ग्रो कर सकता है। अगर आपके पास है तो होल्ड करिएगा, लेना चाहते हैं तो किसी भी गिरावट में थोड़े थोड़े स्टॉक्स आप ले सकते हैं। और इसका अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूस ग्रो कर रही है, और 2014 में अगर आप देखेंगे 200 के करीब ये स्टॉक था, और आज अगर आप देखेंगे 600 के भी ऊपर ये चल रहा है। तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी इस कंपनी ने की है। तो आपको गिरावट में ये स्टॉक लेना है, इजीली 500 के करीब ये चलता था और अचानक आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बाद हुई है। और इसका मार्केट कैप देखेंगे तो छोटी कंपनी है, 1930 करोड़ का मार्केट कैप है, ₹10 का फेस वैल्यू है, डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है। तो इसका मैं लेटर भी आपको दिखाता हूँ। तो इसका अगर आप देखेंगे इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने जो स्पेशल डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया है ₹31 का, जो कि 310% का होता है, और फाइनल डिविडेंड ₹10 का किया है, जो कि 100% का होता है। इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो मई 29, 2019 ये रिकॉर्ड डेट है, इससे एक दिन पहले एक्स डेट रहता है। तो 28 के पहले मीन्स 29 के 4-5 दिन पहले अगर आप लेते हैं तो आप भी एलिजिबल रह सकते हैं। और जो फाइनल डिविडेंड है इनका, जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है बुक क्लोजर डेट, उस टाइम पे रिकॉर्ड डेट होता है फाइनल डिविडेंड का। तो ये अलग अलग डेट्स है, सबसे पहले मई 29 रिकॉर्ड डेट है, वहाँ उस लिस्ट में जिसका भी नाम आएगा ₹31 उसके सेविंग अकाउंट जो भी लिंक डीमैट से हैं उसमें ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो फाइनल डिविडेंड है वो बाद में जो रिकॉर्ड डेट होगा बुक क्लोजर डेट, उस टाइम पे आपको पेमेंट होगा अलग अलग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जाननी। अगर आपके पास स्टॉक है या लेना भी चाहते हैं तो एक अच्छा स्टॉक है ये भी, तो इसमें भी इजीली थोड़ा थोड़ा आप ले सकते हैं। और आज इसी के बारे में बोलना था, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें पता करनी ज़रूरी है ताकि अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, डिविडेंड का फ़ायदा लिया जा सके, प्लस जो स्टॉक ग्रो करेगा उसमें भी फ़ायदा लिया जा सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।